हेलो क्लास। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सब्स्ट्रक्शन ऑफ बीसीडी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सब्स्ट्रक्शन ऑफ बीडीसीडी। एडिशन हमने कर लिया, अब सब्स्ट्रक्शन करेंगे। तो इसमें सब्स्ट्रक्शन के जो है ना वो चार रूल आते हैं, वो मैं आपको नोट्स में लिखूंगा। चार रूल है इसको, चार तरीके से आप इसको कर सकते हैं सब्स्ट्रैक्ट। एक्चुअली क्योंकि हमारे पास बाइनरी वैल्यू भी है, तो बाइनरी के तरफ भी इसका एडिशन होता है, तो सॉरी सब्सट्रैक्शन होता है। तो बाइनरी के सब्सट्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि दो तरीका यूज होता है, कौन सा, एक वंस कंप्लीमेंट और टू कंप्लीमेंट, तो वो तो होगा ही। लेकिन इसका जो इक्विवेलेंसी होती है वो लगभग डेसिमल के जैसा होता है, इसलिए इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं नाइन्स और टेंथ कंप्लीमेंट के जरिए भी। तो दोनों है, तो हम लोग चारों को देख लेते हैं। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं बीसीडी सब्सट्रैक्शन वंस कंप्लीमेंट के मेथड की मदद से। ये बात याद रखना कि बिना प्रैक्टिस का इस चैप्टर पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि नया है। अगर बचपन में हमें सब्सट्रैक्शन सीखने में जो है 3 4 साल लगा था, मतलब क्लास 1 2 3 4 तक, तो जब नई चीजें आ रही है तो कुछ तो टाइम लगेगा, तो टाइम दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको। बीसीडी सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कंप्लीमेंट मेथड। वंस कंप्लीमेंट मेथड से हम अगर बीसीडी को सब्सट्रैक्ट करने जाए तो उसके लिए कुछ फॉलोइंग रूल दिया गया है। वी नीड टू परफॉर्म फॉलोइंग मेथड टू बीसीडी यूजिंग वंस कंप्लीमेंट। एट फर्स्ट वंस कंप्लीमेंट ऑफ सब्सट्राहेंड, जो मेरा नॉर्मल मेथड कहता था कि सर अगर हम वंस कंप्लीमेंट से करते थे तो क्या करते थे, सब्सट्राहेंड को जो है वंस कंप्लीमेंट निकालो और दोनों को जोड़ दो। और दोनों को जोड़ने के बाद जो कहानी था वही है कि अगर कैरी जनरेट होता है इंड अराउंड कैरी, मतलब जो एमएसबी से कैरी जनरेट होगा, अगर एमएसबी से कैरी जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड इंड अराउंड कैरी। लास्ट बिट से कैरी जनरेट हुआ, अगर लास्ट बिट ने कैरी जनरेट कर दिया वन, इट मीन्स रिजल्ट जो है तुम्हारा पॉजिटिव है इन केस ऑफ वंस कंप्लीमेंट। और अगर पॉजिटिव है तो उस वन को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं रिजल्ट में, तो फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है। ठीक है, और अगर इंड अराउंड कैरी जीरो है, इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट है वो क्या है, निगेटिव है। तो अगर निगेटिव होता था मेरा रिजल्ट तो उसमें हम लोग क्या करते थे, निगेटिव होने के केस में हम लोग वहां पर कुछ अलग करते थे। जो कहानी क्या था उसमें, जो थोड़ा कहानी था कि क्या था, ट्रांसफर कर देते थे, कंप्लीमेंट करते थे, क्या करते थे उसका एक बार वह और वंस कंप्लीमेंट करते थे पूरे रिजल्ट का। तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि क्या करेंगे, वंस कंप्लीमेंट हम फिर से फाइंड करेंगे। सिंपली क्या करते हैं, वहां पर हम लोग उसको फिर से वंस कंप्लीमेंट उसका निकाल देते थे अगर हमको कैरी नहीं आया। तो ये था वहां बीसीडी का प्रोसेस, लेकिन सॉरी बाइनरी का प्रोसेस। लेकिन जब बीसीडी की बात करेंगे ना तो बीसीडी का एडिशन थोड़ा टफ हो जाता है, सॉरी सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन इसका टफ इसलिए होता है क्योंकि इसको दो स्टेप में करना पड़ता है। एक स्टेप से कंप्लीट आपका एडिशन निकल के आएगा जो भी फाइनल वैल्यू होगा, और उसके बाद उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगानी होती है। जो इस स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो समझ लो ये एल्गोरिदम है तुम्हारे बीसीडी सब्सट्रैक्शन का यूजिंग वंस कंप्लीमेंट। तो कहता है पहला स्टेप तो हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं कि भैया जो भी रिजल्ट आना है एडिशन का वो आ गया। लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास एक केस आता है बाय एवर स्टेप स्टेप वन। अब जो मेरा पहला स्टेप वन कंप्लीट हो गया एडिशन, मतलब मान लो कि एडर वन मेरा निकल के चला आया, रिजल्ट आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडर वन कहते हैं। अब कहता है नाउ वी कैन रेडी टू परफॉर्म सेकेंड स्टेप टू फाइंड एडर टू, जो कि मेरा रिजल्ट होगा। एडर टू जो होगा वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। इन एडिशन रिजल्ट जो अभी मेरा एडर वन में है, दैट इज एडिशन रिजल्ट, ऑब्जर्व ये शी, उसके एडिशन रिजल्ट में हमको इंड अराउंड कैरी को क्या करना है, देखना है कि इंड अराउंड कैरी आया या नहीं आया। बात देखो उसको हम जोड़ दिए हैं अलग बात है, लेकिन उसमें ये सी आया था इंड अराउंड कैरी, वो आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी स्टेप में, उसके किसी भी स्टेप में ये सी आया है क्या, चाहे वो कंप्लीमेंट वाला वैल्यू हो उसको जोड़ते समय, किसी भी स्टेप में अबव स्टेप, किसी भी स्टेप में अगर आपको इंड अराउंड कैरी मिलेगा, इसका मतलब एडर वन में ही इंड अराउंड कैरी आया है। ठीक है ना, तो एडर वन के प्रोसेस में क्या कहीं ईएसी वन आया या जीरो आया, दो बातें होंगी। अब जब दोनों बातें होंगी तो हमको दोनों बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम जो है ईएसी वन पे देखते हैं, इफ ईएसी इक्वल टू वन, अगर इसने कैरी वन जनरेट किया ऑफ द सब्सट्रैक्शन, अगर इसने क्या किया है, ईएसी का जो है वन है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो मेरा जो है पॉजिटिव है। ठीक है, वो तो हम जानते ही है कि पॉजिटिव है। एंड इफ ईएसी इज जीरो देन रिजल्ट इज निगेटिव। लेकिन ये तो आंसर हो गया भैया कि पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा,
लेकिन अभी भी काम नहीं चला है। अब हमको क्या है ना, इस एडर वन में ऐड करना है बहुत कुछ, क्या करना है वो हमारे इस नीचे के स्टेप में मिलेगा, एंड फाइनल रिजल्ट इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग स्टेप, मतलब एडर टू जो है तुमको इस फॉलोइंग स्टेप को कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। तो तीन बातें हैं देखो ना, इस बीसीडी के अंतर्गत तीन बातें हैं। पहला है कैरी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप, हर चार चार बिट के ग्रुप में देखेंगे कि कैरी आया है या कैरी नहीं आया है, कैरी वन है या कैरी जीरो है हर ग्रुप में। उसके बाद एक शर्त आता है कि मेरा जो फाइनल ईएसी है वो वन है या ईएसी जो है वो जीरो है, दोनों में से एक ही में ईएसी होगा, ईएसी या तो वन होगा ईएसी या तो जीरो होगा, लेकिन कैरी जो इंडिविजुअल ग्रुप का है वो वन भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है, दो कभी भी, लेकिन ईएसी या तो वन है या तो ईएसी जीरो है फाइनली, बात समझिए। तो अगर ईएसी वन होता है तो ये वाला प्रोसेस अपनाओगे, और अगर ईएसी जीरो होता है तो ये वाला प्रोसेस अपनाओगे। तो दो प्रोसेस को देखते हुए अपन लोग अब क्या करते हैं ना, इस एल्गोरिथम के हिसाब से एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक्सेल पे करके देख ले, क्योंकि वर्ड में तो ये काम हमको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो एक बार देखते हैं वर्ड में ही करके। वर्ड में एग्जांपल को मैं नीचे ले जाता हूं ताकि मेरे को जो है लिखने के लिए जगह मिल जाए। मेरा एल्गोरिथम अगर सामने रहेगा तो हमारा जो प्रोसेस होगा जो कैलकुलेशन का वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब चलिए मान लीजिए कि मेरा जो नंबर है, मान के चलते हैं कि मेरे को घटाना है 180 को, ये डेसिमल वैल्यू में लिख रहा हूँ, 180 को सब्सट्रैक्ट कीजिए किसके साथ, 108 के साथ। तो ये दोनों मेरा डेसिमल नंबर है, ओके। अब डेसिमल नंबर के रिगार्डिंग मैं बीसीडी लिखने जा रहा हूँ पहले, तो 1 का बीसीडी कितना, 00001। 8 का बीसीडी कितना, 1000। 0 का बीसीडी कितना, 0000। ये जो है मेरा क्या है, ये हो गया मेरा मेन्यू एंड, ये मेन्यू एंड हो गया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग चलो लिखो, इसके रिगार्डिंग भी लिखो, 1 का कितना, 0001। 0 का कितना, 0000 बीसीडी। इसका कितना, 8 का, 1000। ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्ट। तो दोनों हो गया मेरे को, मेन्यू में एंड मिल गया और सब्ट्रैक्ट मिल गया। अब कहता क्या है, जो हमारा वंस कंप्लीमेंट वाला मेथड जो कहता था कि वंस कंप्लीमेंट से जब हम करने जाते थे तो क्या करते थे, मेन्यू एंड को एज इट इज लिखिए, चलिए मेन्यू एंड को एज इट इज लिखते हैं, 0000001, उसके बाद 1000, उसके बाद 0000, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, सब्सट्रैक्ट का वंस कंप्लीमेंट लिखना है, तो सब्सट्रैक्ट का वंस कंप्लीमेंट लिखिए, चलिए 1111, और 1 का उल्टा हो गया 0, 4 0 है तो मतलब 41, उसके बाद 100 है तो मतलब 0111। ये क्या हो गया मेरा वंस कंप्लीमेंट, वंस कंप्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। चलिए तो ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करना है, चलिए ऐड किया जाए। लेकिन फिर अगर ये दोनों कैरी जनरेट कर देगा तो फिर हम फंसेंगे, तो इसको थोड़ा सा पहले जगह दे दो। अब जो चलते हैं, जोर कटाव करते हैं इसका, फाइनल रिजल्ट कितना आना है, 0101, मतलब 7 है तो 7 ही रहेगा, ये 7 ही रहना है इसको, तो 01 लीजिए, ये रहा आपका आंसर 7। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 01011, उसके बाद 01101, तो 1 2 3 1 आएगा यहाँ। अब ये 1 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है बच्चा, ये अब प्रोड्यूस करने वाला है एक कैरी इसके लिए, तो इसके लिए जो ये कैरी प्रोड्यूस करने वाला है, तो लीजिए इसको भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ कैरी आ गया मेरे को। अब जब ये कैरी आ गया तो इस कैरी को हम लोग को क्या करना है, फिर से जोड़ना है, तो क्या हो गया, 1110,
मतलब हमको जोड़ना है 110, तो अगर अब हम जोड़ते हैं तो 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 110 मतलब फाइनल आंसर इसका जो आ रहा है बच्चे लोग वो आ रहा है 0000, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 110 और कैरी फाइनल कैरी एक आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिर से थोड़ा सट गया है ये, इसको और तो फाइनल कैरी मेरे को क्या मिल रहा है, फाइनल कैरी जो है वो मेरे को मिल रहा है एक और कैरी जनरेट हो रहा है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ एक और कैरी जनरेट हो रहा है जिसकी वैल्यू आई है 1, तो ये मेरे को एक कैरी मिल गया। तो क्या कहता है, ये हम लोग बीसीडी का जो है नॉर्मल बाइनरी की तरह एडिशन कर रहे थे, जब इस एडिशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं तो फाइनली कहा क्या जाता है, इस 1 को उठा करके इसमें जोड़िए, अगर वो 1 आया है तो चलिए इस 1 को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, इस 1 को हम लोग उठा करके यहाँ रख देते हैं। अब इसको 1 को यहाँ उठा कर रखे और इसको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि जो कैरी प्रोड्यूस होता है उसको जोड़ा जाता है, तो क्रेडिट जो आया है उसको जोड़े, तो जोड़े तो इसमें रिजल्ट देखो कितना आ रहा है जोड़ने के बाद, इसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा, वो रिजल्ट आएगा कितना, 0000 तो 0 ही रह जाएगा, देखो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फाइनली 0000, तो ये तो 0 ही रह जाएगा। इसमें जो है क्योंकि यहाँ जो है 1 जोड़ेंगे तो 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, तो 1 का 1 ही रहेगा, तो ठीक है इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 0111 कॉपी कलम पे करोगे तो ठीक से होगा। अब यहाँ अगर 1 जोड़े हो तो क्या हो जाता है, 110 का कैरी 1, 110 का कैरी 1, 110 मतलब 7 से 8 बनेगा, तो दोनों लिख देते हैं 8, हो गया, ये मेरा जो फाइनल रिजल्ट है इट्स माई एडर 1, ADDER 1 हम लोग इसको कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गया, लेकिन अगर जो है ये प्रोसेस खत्म नहीं होता तो फिर आगे भी देखना पड़ता कुछ, लेकिन अभी हमारा प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो इट्स माई एडर 1। अब एडर 1 में जो जोड़ा जाता है ना वो, अब एडर 1 आ गया, अब एडर 1 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि एडर 1 में हमको क्या जोड़ना है, एडर 1 को हम लोग बाइंडिंग की तरह कंप्लीट करेंगे, और आफ्टर दैट एडर 1 के बाद ये वाला जो फॉलोइंग फॉर्मूला है ये लगेगा, अगर इंडायरेक्ट कैरी 1 हो तो देखो इसका इंडायरेक्ट कैरी 1 था तो लास्ट में किसने, इसने एक जनरेट किया था 1, हाँ तो मतलब मेरे पे जो लागू होगा वो क्या लागू होगा, 1 वाला मेथड। कहता है अब देखो कि स्थिति क्या है, स्थिति कहने का मतलब कि किसी किस ग्रुप से कैरी प्रोड्यूस हुआ है अगले के लिए, चाहे वो इस स्टेप में हो चाहे वो इस स्टेप में हो, किसी भी स्टेप में अगर 4 बिट के ग्रुप से दूसरे 4 बिट के ग्रुप के लिए कैरी प्रोड्यूस हो गया तो हमको ये फॉलोइंग फॉर्मूला लगाना है। अब देखते हैं इसमें कि अगर ये C1 हो तो अभी मेरा ये C1 है तो मेरे पास लागू जो रूल होगा वो ये वाला रूल होगा। तो कहता है सबसे पहले कि ट्रांसफर रियल रिजल्ट ऑफ एडर 1 एंड ऐड, मतलब मेरा जो ये रिजल्ट है इसी रिजल्ट में हमको ऐड करना है, इस ये रिजल्ट मेरा रियल रिजल्ट है, इस रिजल्ट में हमको ऐड करना है अगर कैरी 1 आया है तो, लेकिन इस ग्रुप ने कैरी प्रोड्यूस किया है कहीं पे ना, यहाँ पे किया ना यहाँ पे किया, तो इसमें हमको क्या जोड़ना होगा, 1010 जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा, 1010 1010, इस ग्रुप में अपन को क्या जोड़ना है, 1010 जोड़ना है। क्यों 1010 जोड़ना है, क्योंकि भैया इसमें जो था कैरी इस ग्रुप में ना यहाँ आया था ना यहाँ आया था, आता तो फिर 1010 ना जोड़ करके 0000 जोड़ते, फिर ये देखो इससे कैरी प्रोड्यूस हुआ है, हाँ इससे कैरी प्रोड्यूस हुआ है, इससे कैरी प्रोड्यूस हुआ है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 0000 जोड़िए, 0000 ये लीजिए, इसमें जोड़ने के लिए जो भी जाएगा वो 0, क्या इसमें कैरी प्रोड्यूस हुआ है, इसमें कैरी प्रोड्यूस हुआ है क्या, हाँ भैया यहाँ भी कैरी आ रहा है, मतलब इसने भी कैरी प्रोड्यूस किया था, तो मतलब इसमें भी जो जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, 0000 4 0। अब ये रहा आपका फाइनली प्रोसेस होने के लिए तैयार, ये फाइनली प्रोसेस होने के लिए तैयार है, इतना ये एल्गोरिदम इस स्टेप पे लगता है। एडर 1 में हमको ये वाला एल्गोरिदम लगा करके एडर 2 फाइंड करना होता है,
और एडर टू फाइंड करते समय में आपको एक चीज ध्यान देना है, जिस समय में आप एडर टू फाइंड कर रहे हो, यहाँ पर अब कोई भी कैरी अगर जनरेट होता है ग्रुप से बाहर के लिए, मतलब अब ग्रुप से बाहर मेरा कैरी का कोई काम नहीं है, अब मैं ग्रुप से बाहर कैरी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये याद रखना। चार बिट के अंदर जो है कैरी उसको तो प्रोसेस करोगे, लेकिन अगर चार बिट से बाहर कैरी जाने की कोशिश कर रहा है तो उस कैरी को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। जस्ट रिमेम्बर इट, इसमें किसी भी कैरी का कोई वैल्यू नहीं है। रिमेम्बर ओनली वन थिंग, इन दिस स्टेज एनी कैरी इज जनरेटेड, स्टेज इन दिस स्टेज एनी कैरी इज जनरेटेड फॉर नेक्स्ट ग्रुप, देन इट इज डिस्कार्डेड। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सेव कर लेने तो मेरा लैपटॉप थोड़ा आजकल खराब चल गया है वोल्टेज की वजह से, साइन कट गया तो फिर से इतना काम करना पड़ेगा। अब जोड़ो इसको, 00 कितना आ रहा है, यहाँ है 8 और यहाँ है 10, तो 10 8 18 18 में कितना आएगा, 18 में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपको 16 और 2 18, 16 2 18, ये देखिए ये वैल्यू आएगी इसकी 1000 किसकी, इस दोनों को जोड़ने के बाद पहला ग्रुप को जो जोड़िएगा तो ये आंसर आएगा, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, इस वन को डिस्कार्ड कर देना है, समझ गए। मेरे पास कॉपी कलम नहीं है इसलिए हम उसको नहीं दिखा पाएंगे आपको बाद में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस ग्रुप का जो रिजल्ट था वो कितना था, 10010, लेकिन इस वन को मैंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, वन इज डिस्कार्डेड। अब यहां देखिए 10 को इसमें जोड़ूंगा तो फाइनल रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, 7 में 0 जोड़ना है तो 7 ही रहेगा, आंसर क्या होगा, 0111। ओके, यहां पे 2 0 2 0 क्यों बैठ गए, वहां पे 1 2 3 4, अब वहां पे 2 0 क्यों बैठ गए, ये वर्ड में लिखना इसीलिए थोड़ा मुश्किल काम है। क्या क्या रिजल्ट आया था देखो, वही प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मैं इसे जो है ना छूना नहीं चाहता हूँ। कल से जितना भी होगा ना थ्योरी लिख दूंगा, उसके बाद कॉपी कलम पे बना करके मैं आपको दे दूंगा कलम पे इसका एग्जांपल जो होगा। अब भी अब इसको जब छू दिए हैं तो इसका आंसर तो इसी पे निकालेंगे। तो ये जो है मेरा ये है 0001, तो लीजिए मैंने नहीं लिखना है, मेरे को इसको लिखना था ना, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0111 का इसका रिजल्ट आ रहा है 8, ठीक है, इसमें से कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 011, ठीक है, 7 ही रह जाएगा ये, और ये जो है मेरा 0 है तो ये 1 क्यों बनेगा, ये 0 है तो 0 रहेगा। ओके, ये देखिए अब आप इसको जोड़ना चालू कीजिए, इसका जो काम हम लोग कर लिए, इसमें इसमें कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ था इसलिए 1010, लेकिन इस ग्रुप से कैरी प्रोड्यूस हुआ है इस स्टेज में इसलिए इसमें जोड़ेंगे 000, इसमें भी यहाँ पे कैरी प्रोड्यूस हुआ था इसलिए जोड़ेंगे 000। याद रखना यहाँ भी अगर कैरी प्रोड्यूस हो गया ना तो उसको भी कंसीडर करेंगे, अगर इस 11 को जोड़ने की वजह से ये कैरी जनरेट कर देता तो इसको भी हमको कंसीडर करना पड़ता कि इस ग्रुप से कैरी निकल के आया है। ओके, अब 000 ये हो गया, ये हो गया 7, और इस 0 को कितना भी जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 2 3 4, ये रहा आपका फाइनल आंसर। एडर 2 में इस एल्गोरिदम से जब हम जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन के आएगा। तो अगर इसको बीसीडी में आप देखोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेसिमल, 0 0 1 1 1 1 1 से उठाकर रखेंगे तो 7, और 0 0 1 0 से उठाकर रखेंगे तो 2। देखो मेरा आंसर सही है या नहीं, आंसर मेरा सही होता है या नहीं होता है, देखो 180 में से 108 घटाओगे तो 72 मिलेगा ना, तो मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है, बात समझिए। इसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं,
कंट्रोल देखो बहुत मेहनत लगता है इसको एमएस वर्ड पे अगर हम प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो, बात समझिए। अब कहानी क्या है, एक तो ये वाला हो गया, अब इसको जो है बच्चे लोग इंड अराउंड कैरी अगर मेरा जीरो आता है तो ये वाला बस फॉलो करना है, आप ये वाला फॉलो कीजिएगा, बात समझ गए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप फंस गए हो तो वो क्वेश्चन आप मेरे को ये मत व्हाट्सएप लिख के भेजना, सर चेक कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे बच्चे भेज देते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं स्टेप देख के। इसलिए अगर आपको फाइनली आंसर चेक करने के लिए क्या मेथड है, दोनों का डेसिमल वैल्यू लिखिएगा और दोनों का डेसिमल वैल्यू लिखने के बाद आपको क्या देखना है कि आपका रिजल्ट सही आया या नहीं आया। अगर रिजल्ट गलत हुआ तो आप मेरे को जरूर वो क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको उसको बना करके फिर से भेज दूंगा। ओके, अभी कहानी क्या है, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, बाकी दो तीन एग्जांपल मैं कोशिश करूंगा कॉपी पे बनाऊं और उसके बाद आपको दे दूं। तो ये जो स्टेप है आपका, ये कौन चीज के किसके जरिए हो गया, ये हो गया आपका वंस कम्प्लीमेंट के जरिए। टूज कम्प्लीमेंट इससे भी आसान हो जाता है, क्योंकि टूज कम्प्लीमेंट इससे आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि टूज कम्प्लीमेंट का जो है मेरा ये वाला प्रोसेस वही है और बाकी ये जो कम्प्लीमेंट सेकेंड मेथड है वो यही है, बस टूज कम्प्लीमेंट में जो चेंजिंग आएगी वो इस स्टेज में चेंजिंग आएगी। वहां पे चेंजिंग क्यों आएगी, तो कहते हैं अगर वन आता है, क्या कहते हैं, अगर वन आता है, यहाँ पे अगर वन आता है ये सॉरी इंडायरेक्ट कैरी अगर वन आता है तो उसको क्या कहते थे, इसमें से डिस्कार्ड कर देने के लिए कहते थे, यहाँ जोड़ने कह रहे हैं और वहां क्या कहते थे, डिस्कार्ड कर देते थे। लेकिन इंड अराउंड कैरी आया तो सही, तो मतलब इस स्टेप में तुमको पता रहेगा कि इंड अराउंड कैरी मेरे पास आया है, बात समझ गए। लेकिन इस स्टेप में जोड़ने से हम बच जाएंगे, क्योंकि इसके जोड़ने से भी बहुत बार होगा यूं कि मान लो अगर यहां भी वन होता तो ये वन इसको भी भेजता, तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, इस ग्रुप से बोले थे भेजेंगे, ये भी भेज रहा है, तो मतलब यहाँ पे दो स्टेप में आपको देखना पड़ता है, पहले ये एडिशन और उसके बाद ये एडिशन। लेकिन जब टूज कम्प्लीमेंट कीजिएगा तो ये एडिशन से तो बच जाइएगा ना, तो टूज कम्प्लीमेंट से आप ये वाला पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बात समझ गए, और उसके बाद एडर वन आपको मिलेगा, उस एडर वन में जो आपको एडिशन करना है वो सेम टेक्निक से होगा जो ऊपर वाला टेक्निक दिया हुआ है आपको, ये जो पूरा का पूरा एल्गोरिदम मैं लिखा हूँ, बात समझ गए। अब बात आती है, मैं चलिए इसको टूज कम्प्लीमेंट के जरिए कम्प्लीट करके ही खत्म कर देता हूँ, टूज कम्प्लीमेंट कोई बड़ा चीज नहीं है इसके लिए, जब हम लोगों ने वंस कम्प्लीमेंट कर लिया तो टूज कम्प्लीमेंट तो खत्म हो गया, बस इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है तो प्रैक्टिस कीजिएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, बस सेम थ्योरी लिखना है हमको, बीसीडी सबस्ट्रक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो क्या कहता है, वी नीड टू परफॉर्म फॉलोइंग मेथड टू सबस्ट्रैक्ट बीसीडी यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट के जरिए ये होगा, एट फर्स्ट फाइंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबस्ट्राहेंड, सेम वही कहानी, 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो किसका, सबस्ट्राहेंड का, देन Add this complemented value to menu int. उसके बाद if EAC मतलब int around carry generated then add it, है ना, ये था once के लिए, लेकिन क्या कहते हैं then ignore it, then ignore it, result is positive. रिजल्ट इज पॉजिटिव। और ये वाला फालतू जो बात लिखा हुआ है ये नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि वन जोड़ेंगे ही नहीं तो दोबारा ये टेंशन हमको होगा ही नहीं, तो ये मेरे लिए आसान हो जाता है थोड़ा, तो इग्नोर इट करेंगे, इग्नोर इट, और जो रिजल्ट है वो क्या है मेरा, पॉजिटिव है। बाय द वे स्टेप एडिशन इज फिनिश, वी कैन कॉल इट, हम इसको क्या कहते हैं, एडर वन। नाउ We are ready to perform second step to find adder 2. That is my final result. जो मेरा final result होगा। अब कहता है in this addition result observe EAC. इसमें भी वही काम हम कह रहे हैं कि अगर EAC इसमें जो आया था 1 होगा तो क्या करना है, और अगर EAC मेरा 0 होगा तो क्या करना है, बात समझ गए। तो यहाँ पर देखना, कम्प्लीमेंट मैंने नहीं किया है, 1 तो जो रहा है लेकिन कम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता था कि अगर इसका एडर का रिजल्ट जो है मेरा क्या हो, एडर का जो मेरा रिजल्ट है वो अगर माइनस में हो, मतलब उसमें जो है इंड अराउंड कैरी ना आए, तो मैं चाहता तो वहीं पे उसको कम्प्लीमेंट भी कर देता और कहता एडर वन का रिजल्ट ये है, तो फिर मेरे को जो है ना कम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता। तो आप कुछ भी करें, अभी के हिसाब से
एडर वन और एडर टू में मैं जो कर रहा हूँ, सिर्फ जो प्रोसेस अपनाया हूँ उस प्रोसेस को आपको अपनाना है, ठीक है। एडर वन हमको जब मिल गया है तो अब उस एडर वन में या तो जो है मेरे को ईएससी वन मिलेगा या तो ईएससी मेरे को जीरो मिलेगा। अगर वन है इसका मतलब रिजल्ट जो है मेरा पॉजिटिव है, अगर जीरो है इसका मतलब रिजल्ट जो है मेरा निगेटिव है। लेकिन अभी भी फाइनली रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि रिजल्ट पीसीडी में तभी मिलेगा जब उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग मेथड। इस फॉलोइंग मेथड का इस्तेमाल करने के बाद इस फॉलोइंग एल्गोरिदम को लगाइएगा, तब आपको एडर टू मिलेगा। जो एडर टू मिलेगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बात समझ गए? रिमेंबर वन थिंग, इफ इन दिस स्टेज एनी क्वेरी इज जनरेटेड फॉर नेक्स्ट ग्रुप देन इट इज डिस्कार्डेड। तो फिर उसको भी आपको डिस्कार्ड ही कर देना है। यहां भी वही कहानी है। अब चलिए हम इसको करते हैं। इससे देखिए, अभी मेरे पास एक कैरी बिट आया था ना, अब चलते हैं इसको हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा मेन्यू इन, मेरा रहा सब्सट्रैक्ट। देखिए, हम अगर ज्यादा नहीं लिखेंगे, बचना चाहते हैं तो हम सेम पे काम करेंगे। तो अब कहता है ये रहा मेरा मेन्यू इन 0000001, अब ये रहा मेरा सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट ये है ना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी, यहां लिख देता हूं, बेहतर रहेगा। कंट्रोल भी, इसमें क्या कर देता हूं मैं, प्लस वन कर देता हूं, तब आपको क्लियर रहेगा कि ये मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट है। प्लस वन, अब इसको प्लस करके मैं यहां पे लिख देता हूं 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर हम वन जोड़ेंगे तो सिर्फ यहीं तक इंपैक्ट जाएगा ना, इसके आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां तो वन रच रहा है। अब 2s कॉम्प्लीमेंट वैसे भी हम तो वो क्या कहे थे, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो। और वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद जो 2s कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारा, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, और वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद उसमें क्या कर देना है आपको, वन जोड़ देना है। तो वन जोड़ दीजिए। चलिए, तो वन जोड़ेंगे तो इसमें से तीन वन है ना, हटा दो, ये हो जाएगा 1000। दिस इज योर 2s कॉम्प्लीमेंट। आपको अगर शक है तो चलिए चालू हो जाते हैं। हमने आपको सेकंड टेक्निक बताया था ना 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का। देखो, जीरो है जीरो, जीरो है जीरो, जीरो है जीरो, वन है उतार दिए। बात समझ गए? और एक वन मिलने के बाद हमको क्या करना है, बाकी अब जो मिलेगा सबका कॉम्प्लीमेंट। तो ये जीरो वन, ये जीरो वन, ये जीरो वन, ये जीरो वन, ये वन, ये जीरो, जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन। इसका मतलब मेरा 2s सही है। और जब 2s मिल गया तो दोनों को क्या कर देना है, उनको ऐड कर देना है। चलिए ऐड करते हैं। इस बार इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 1000 हो गया। इस केस में क्या होता था, 2s कॉम्प्लीमेंट के केस में जब हम एडिशन करते थे तब उनको इसको डिस्कार्ड कर देना होता था, इसको ऐड नहीं करना होता था। दिस इज डिस्कार्डेड। तो हम बच गए ना एक स्टेप से। इस बार हम किस चीज से बच गए, एक स्टेप से बच गए, उस वन को ऐड करने से हम बच गए, क्योंकि ये वन क्या हो गया मेरा, डिस्कार्ड हो गया। ओके, इन दिस ईएसी वन इज डिस्कार्डेड। तो ये हो गया एडर वन का रिजल्ट आपका। मैंने कर रखा है, देख रहे हो रिजल्ट पे कोई अंतर आया है, चाहे वो वन हो या ना हो, रिजल्ट में तो मेरे कोई चेंजिंग आया ही नहीं। अब बस बचे हम एक स्टेप करने से, जो स्टेप यहां पे मेरे को एक बार और एडिशन करना पड़ा, वो एडिशन से हम क्या किए, अपने आप को बचा लिए। बात समझ गए? अब ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए ये काम करने के बाद आपको एडर वन में कहानी वही था, देख लो अभी भी वही है। ईएससी क्योंकि मेरा वन है तो अगर कैरी जनरेट हुआ है तो इसमें से कैरी जनरेट नहीं हुआ था तो 1010 जोड़ेंगे, अगर कैरी जनरेट हुआ है तो 0000 जोड़ेंगे, 0000 जोड़ेंगे एडर वन में। तो एडर वन में जोड़ने का जो फॉलोइंग फॉर्मूला है वो यूज करो और 2s कॉम्प्लीमेंट लगा करके इसको जोड़ लो। देखो अभी भी 72 ही आया आंसर। तो मेरा जो ये टॉपिक था दोनों, क्योंकि एक दूसरे से सिमिलर था तो मैंने इसको कर लिया। तो ये हो गया तुम्हारा सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बीसीडी। क्या है ये हो गया आपका ओके सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड
एंड बीसीडी सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूच कंप्लीमेंट मेथड। तो आई थिंक आपको यह चीज समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको चार पांच एग्जांपल बनाना है ताकि ये तुम्हारा हो जाए बच्चे। ये अब आपका एमसीए कीजिएगा तो भी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जस्ट रिमेम्बर इट कि इसका प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है करना। बीसीडी थोड़ा सा टफ टास्क यही है, सब्सट्रैक्शन बाकी तो आप लोग देखेंगे कितना आसान है। इसका भी एल्गोरिदम अगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया तो फिर कोई गलती नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जो बने वो मेरे को भेजना। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि वंस कम्प्लीमेंट टूज कम्प्लीमेंट मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो इसको नाइन्थ कम्प्लीमेंट से भी बना सकते हो, टेंथ कम्प्लीमेंट से भी बना सकते हो, और यकीन मानो नाइन्थ कम्प्लीमेंट टेंथ कम्प्लीमेंट जो है ना इससे आसान है। लेकिन मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर जगह उलझा रहा हूँ, बात समझ गए। फिर भी खुद से रिसर्च करो, अगर रिसर्च में कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता सकते हो, और अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा इसका टेंथ कम्प्लीमेंट और नाइन्थ कम्प्लीमेंट के जरिए कैसे इसका सब्सट्रैक्शन होगा वो भी। और कोई क्वेश्चन होता है तो हमको जरूर भेजना, ठीक है। पीछे का जितना क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लेना। इसका एक और एग्जांपल वाला जो है ना, मैं हैंड रिटेन करके आपको जो है दो चार को एग्जांपल बना दूंगा ताकि जो है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में प्रॉब्लम आप ना फंसे, आपको ये दोनों कर लीजिएगा। ओके, तब कहानी आता है, लीजिए क्वेश्चन मैं ही दे देता हूँ, आप लोग से नहीं होगा, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको बना लीजिएगा। कहते हैं 188 को घटाओ किससे, 108 से। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। को माइनस कीजिए 108 से, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू कहता है 188 हो गया, 108 हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है 199 में से घटाइए किसको, 89 को। चलिए इसी से काम चला लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 100 में से घटाइए 140 को, 140 को। अगला क्वेश्चन कहता है 220 में से माइनस कीजिए, 2020 में से माइनस कीजिए 3001 को। चलिए ये चार क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका जो है बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इतना ही क्यों कीजिएगा, एक और बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है 398 में से घटाइए 255 को, 400 को घटाइए ना, ज्यादा मेहनत वाला काम कीजिए ना, 401 को। तब एक और बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर छ कहता है 765 में से घटाइए 698 को। ओके, ये हो गए आपके चार क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन आप कीजिएगा यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट और यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट।
दोनों कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट और यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। ये हो गए आपके क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को क्या है कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन आपका, इसीलिए परफॉर्म करना है, याद रखना, ये ना कि जो है नॉर्मली करके हमको भेज देना। ये रहा तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, अब ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे और याद रखना नोट्स कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।